वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी आज दोपहर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह मुझे वीकनेस जैसा भी लग रहा था और सुबह मतलब कैमरा उठाने का तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं रहता कि मोबाइल उठाएं कुछ करें ना, जल्दी जल्दी रहता है। आज इनके लिए भुजिया रोटी बनाए थे, भुजिया रोटी बना के इन लोगों को टिफ़िन दे दिए थे। आलू, छोटी वाली आलू रखी थी तो मेरे बच्चों को मतलब ओम को ज़्यादा ही दम आलू, हाँ दम आलू बोलते हैं ना, नहीं आलू दम बोलते हैं उसको। दम आलू तो जो यहाँ बनता है वो बोलते हैं, आलू दम बोलते हैं वो। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो छोटी आलू देखेगा ना, माँ वो बनाइएगा, माँ वो बनाइएगा ज़रूर करता है। तो वही सोचे बना दे उसके लिए। तो फिर सुबह सुबह नहीं था कि मतलब उसको छोटा छोटा है उसको छीले फिर बनाए, क्या पहले इनके लिए रोटी भुजिया बना के दे दिए। फिर नाश्ता करने के बाद मतलब नहा के पूजा करके नाश्ता करने के बाद आके थोड़ी देर लेट गए थे। यानी कि वो शरीर सुस्त लग रहा था, नहीं मन कर रहा था तुरंत काम करने का। अभी तो चार दस सब रखा है, फोल्ड नहीं किए, पोछा भी नहीं लगाए हैं, चलेंगे अब चल रहा है। नींद भी नहीं आ रही है, अगर काम रखा है सोचे थोड़ी देर लेट लें तो नींद भी नहीं आ रही है। तो चले फिर किचन में चलते हैं, तो वही बनाएंगे आज। रोटी तो बना दिए थे जब इनके लिए बनाए थे, तो चार रोटी बनाना रहता है। तो फिर चार रोटी के लिए फिर तवा चढ़ाओ। तवा चढ़ाओ का क्या होता है, गैस पूरा मतलब प्लेटफॉर्म पूरा गंदा हो जाता है रोटी बनाओ तो फिर से पूरा पोछना पड़ता है। और जब सुबह रोटी बनाते हैं उसी समय पूरा पोछ उछ के साफ़ कर देते हैं। अब बस दाल चावल बनाना है, मतलब ज़्यादातर तो रोज़ यही बनाना रहता है दाल चावल, तो फिर पोछने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत जैसे गंदा हुआ, मुझे बिल्कुल मतलब अपना वो टार जो होता है बिल्कुल गंदा पसंद नहीं है, थोड़ा सा भी लगा रहता है जैसे तुरंत पोछ दो। तो इसी वजह से रोटी पहले ही बना दी है, दाल चावल। और मुझे तो मतलब आलू दम के साथ दाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे तीखा इतना नहीं खा पाएंगे या इतना मसाला मतलब वो नहीं खा पाते, तो उनके लिए दाल बनाएंगे। चलिए फिर किचन में चलते हैं। आलू दम बनाने की सारी तैयारी कर ली है, दाल भी चढ़ा दी है, और ये देखिए प्याज है, दो तीन प्याज है, छोटे छोटे प्याज थे तो तीन हैं। ये थोड़ा सा काट लिए हैं इसको फ्राई करने के लिए। और अदरक, मिर्चा, ये मिर्चा बहुत कम तीखा है इसलिए तीन लिए हैं। लहसुन, टमाटर है, अभी इसको टमाटर को तो बाद में डालेंगे, पहले प्याज लहसुन अदरक इसको मिक्सी में पीस लें। फिर आलू भी हल्का बॉयल किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाए हैं, बस मतलब एक सीटी भी नहीं लगा था, उससे भी कम था तो उसी पे बंद कर दिए। छीलते तो वैसे तो छील के भी और काट के और तेल में फ्राई करिए, मतलब तेल में पकाइए तो और अच्छा बनता है, लेकिन बहुत टाइम लगता छीलने में इसलिए बॉयल कर दिए थे, कम से कम छिलका जल्दी से उतर जाए। चलिए इसको पीस के फिर आलू भी आधा आधा काट लिए हैं, बस आधा आधा पीस गया है पेस्ट। प्याज लहसुन अदरक का बस इसमें एक चम्मच गरम मसाला, बाद में मतलब इतना ही चम्मच मीट मसाला, मतलब ऊपर से जब पूरा मसाला भून लेंगे तब डालेंगे। एक चम्मच हल्दी, बस मसाला इतना ही डालते हैं। तेल अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, आलू को फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है, उसके बाद तेल मतलब अगर आपको ज़्यादा लगेगा मसाले में तो निकाल लेंगे। अभी फ्राई करके देखते हैं तेल कितना ज़्यादा होता है। तेल गर्म हो गया है, फिर आलू डाल देंगे। पहले तो आधा आलू डाले थे, लगा कि आधा को पहले मतलब फ्राई करके निकाल लें फिर आधा को डालेंगे, फिर लगा कि नहीं हो जाएगा पूरा आलू इसी में, इकट्ठा ही डाल दिए थे। अभी इसको लाल होने तक मैंने चारों तरफ से थोड़ा ज़्यादा ही लाल हो जाएगा। अभी देखिए थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लाल लाल चारों तरफ से हो जाएगा तब इसको निकाल लेंगे। देखिए अभी पूरा हो गया है, इसको निकाल लेंगे। अभी तो तेल ज़्यादा ही था, तेल ज़्यादा था तो तेल को निकाल दिए थे, क्योंकि इतना मसाला के लिए तेल की ज़रूरत नहीं रहती है। आप अच्छे से तेल थोड़ा कम भी डालिए और अच्छे से भूनिए तो मतलब हो जाता है। और मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ में जितनी ज़रूरत है मतलब ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा तेल नहीं डालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना में मतलब अच्छा स्वाद आ जाए उतना ही डालें। अभी इतना तेल निकाल के रख दिए हैं जीरा से,
मैं जीरा से ही केवल तलकर लगाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है कोई और चीज़, मतलब मेथी हो चाहे कोई और हो। थोड़ा सा हींग डाल देते हैं, हींग डालने से रहता है कि कुछ भी मतलब ऊपर नीचे बैलेंस नहीं हुआ है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्याज कट करके रखे थे, इसको डाल देंगे। प्याज थोड़ा सा ही भून जाएगा, नमक डाल देने से प्याज मतलब जलता नहीं है, जल्दी भून जाता है। अभी प्याज भून गया है, इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला को अच्छे से मतलब भून लेंगे, जब जैसे भूनने पे पता चल जाता है जब मतलब कढ़ाई से तेल छोड़ने लगे। टमाटर को भी इधर पीसने के लिए फिर रख दिए थे कि टमाटर भी पीस लें, वो टमाटर पीस भी गया है। ये देखिए मसाला भून गया है, इसमें एक चम्मच मलाई डालेंगे। मतलब आदत है मेरी कोई भी जैसे मसाले वाली, जैसे बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन जो पीस के बनाते हैं तो मलाई ज़रूर डालते हैं, उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, मेरी मैंने फैमिली को सबको अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात रहती है ना कि अगर कोई भी चीज़ कम अधिक या थोड़ा कम भुने हैं तो मलाई से बैलेंस कर लेता है। अभी मलाई भी मिला लिए थे, टमाटर के पीस के रखे हैं उसको डाल दिए। एक चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको डाल देंगे कलर के लिए। मलाई डालने पे थोड़ा सफ़ेद हो भी जाता है। और एक चम्मच मीट मसाला ऊपर से डाल देंगे, ऊपर से डालने पे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। हो गया मसाला, बस हम इतना ही डालते हैं। नमक डाल के इधर दाल भी मतलब दाल बन गया था, दाल को खाली करके फिर इसमें चावल भी चढ़ा देंगे। रोटी पहले से बना के रखे थे, देखिए टमाटर भी अच्छे से बन गया। आलू डाल के बहुत टेस्टी बना था, अगर बनाते तो होंगे, बहुत लोग बनाते होंगे, जो नहीं बनाते होंगे एक बार ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा, मतलब जब घर में कोई सब्जी ना रहे तो बहुत बढ़िया, जैसे इसको बनाना मतलब बढ़िया ऑप्शन रहता है, बहुत टेस्टी लगता है। पानी डाल देंगे, आपको जितना गाढ़ा रखना है, हम अपनी फैमिली के अनुसार रखते हैं। और फिर ये है कि ये अभी है नहीं तो रात को खाएंगे, तो इसके हिसाब से बनाए थे। बहुत हमको लोगों को पतला नहीं पसंद है। चावल भी डाल देंगे, मसाला तो पहले ही भूनने से ही पक गया था। अभी एक दो बार बॉयल हो जाएगा, मतलब उबाल आ जाएगा, फिर हो गया। देखिए बन गया, बहुत ही टेस्टी बना था। ये तो वॉइस ओवर कर रहे हैं, दूसरे दिन कर रहे हैं, तो मतलब बन गया। कढ़ाई में से खाली कर दिए थे, अपने लिए ले लिए थे, फिर खाली करके रख दिए थे, शाम को ये खाएंगे तो हम लोगों के लिए भी हो जाएगा। अब जाके सारे खाएँ, अभी खाना नहीं खाए, पूरा धुल लिए, गेट को धुले हैं, बाकी सब जगह पोछा लगाए हैं। थोड़ा सा थक गए थे और पसीना पसीना हो गया था, बुला कर खाना हवा ले, बैठ जाओ तो फिर आलस हो जाता है, और करते रहो तो फिर उसमें जितना काम करते रहो तो हो जाएगा। थोड़ा सा हवा ले लें, चलते खाना निकालो। अम्मी और देव हैं, उनको अभी समय सुला नहीं रहे, देव को भी नहीं सुला रहे, सो जाते हैं तो रात में 12 बजे के बाद तक भी खूब डांटो चिल्लाओ तब जाके सुनेंगे, आज वो छोड़ते रहें। उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे के बाद जब बिस्तर पर भेज दो तो थोड़ी देर बात करते हैं आपस में, फिर सो जाते हैं। तो बर्तन साफ कर दिए, बर्तन साफ़ करने के बाद खाना खाने जाइए, जो सुकून मिलता है। पूरा किचन मतलब साफ़ है, बस अपना खाना लास्ट में ले लिए। देव अपना खा लगभग खा चुके हैं, चलिए फिर मैं भी खा लेती हूँ। खाना खा लिए तो उसके बाद आगे मिशो से सामान मंगवाए थे, सामान क्या एक ही चीज़ मंगवाए थे, अभी तो मतलब और जो आना है वो आएगा, आज शाम तक आएगा, चाहे बाद में आएगा।
उसमें से पानी बह जाएगा। प्लेटफॉर्म पे मेरे पानी जैसे रुक जाता है, पता नहीं ग्रेनाइट की वजह से होता है कि प्लेटफॉर्म का ढाल नहीं बनाया अच्छे से। बर्तन धो के रखो, पहले कभी डलिया नहीं खरीदे, क्योंकि मतलब मुझे है ना कि सामान बहुत ज़्यादा जैसे खरीदने से ज़्यादा रहता है कि रखेंगे कहाँ। घर मुझे बहुत जैसे खाली खाली बस अच्छा लगता है, ये नहीं कि कूड़ा तरह मतलब सब कुछ खरीदते जाओ भरते जाओ। तो इसी वजह से अभी तक डलिया नहीं खरीदते थे, प्लेटफॉर्म पे ही धो के रख देते थे। तो डेली देखने पे जैसे हमेशा तुरंत बर्तन धुलने के बाद जैसे बर्तन सूख जाए तो हटाओ फिर वाइपर मारो, नहीं तो पानी सूख जाता था। इसी वजह से गए थे दुकान पे लेने के लिए, लेकिन बहुत महंगे दुकान पे तो खैर बहुत महंगे दे रहे थे, तो फिर मना कर दिया हम, कह नहीं चलेंगे मिसो से ले लेंगे। मिसो पे विश्वास तो थोड़ा कम रहता है लेकिन सस्ता मिलता है, मतलब सारे वो कहिए ऑनलाइन शॉपिंग से कहिए या मार्केट से कहिए, मिसो थोड़ा सा मतलब है। ये ले आए, इसको सैनिटाइज भी कर दिए हैं तब जाके मतलब छुए हैं। दुकानदार वो लेके आए थे जोड़ के अपने बर्तन में से पहले सैनिटाइज करके, ये ऐसे लगा के इसमें चम्मच है चाकू है जो भी है इसमें डालने के लिए, ये अलग से है इसे। काफ़ी है ये चार जन के बर्तन के लिए, बड़ा बड़ा बर्तन तो कुकर कढ़ाई ये सब तवा तो वैसे भी नहीं आएगा इसमें, तो उसके हिसाब से बस खाने के बर्तन के लिए काफ़ी है। भाई जिस दिन गए थे बात खरीदारी कर लिए तो ये नहीं मिला, ये लाए थे उसी दिन लाए थे, ये दुकान से लाए थे पोछा वाला। वैसे तो जो पूरा इसका सेट आता है, इसकी जो बाल्टी आती है बकेट की पूरे साथ सेट आती है, काफ़ी वो महंगा पड़ जाता है और काम यही करता है। उसकी बाल्टी भी ऐसे ही रखी रह जाएगी, जब जब पोछा लगाओ तब तक यूज़ करो। और इससे क्या है, एक सिर्फ 150 रुपये का मिलता है, 150 या 155 ऐसे ही कुछ। और उसमें सारा मतलब बाल्टी तो वैसे ही घर में बहुत सारी रखी रहती हैं, किसी भी बाल्टी में मतलब पोछा लगाने के लिए बना लो, फिर ये मतलब ठीक रहता है। उसके कंपेयर में वो कम से कम 600-700-1000 उससे ऊपर ही मिलता है, तो उससे कंपेयर में और फिर अच्छे से फिर लग भी जाता है पोछा। ये लाए थे उसके, तो ये वाला पड़ा हमको 266 का था। बहुत सारे मतलब थे, कोई अधिक का भी था कोई कम का भी था, तो सबसे मेन मुझे ये देखना था। बहुत सारे में ये जो पानी बह रहा है वो मतलब बहने का बना है इधर से था, तो उसमें नहीं लेना था, तो वो इधर वाला जो था तो उसमें यही प्राइस थी। तो चलिए फिर अपने वीडियो का भी एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। ओके बाय।